मिठा चारा फिर मैंने सिखा पदिंग स्मार्ट। आज जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब हम कोई प्रयास समर संघ कोई प्रयास समर संघ के लोग कोई प्रयास दिल से करते हैं और पूरी ताकत से करते हैं और बाबा साहब के सिद्धांत पे अच्छी भावना से करते हैं और कठोरता से करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका परिणाम ना आए। देर से आ सकता है, सवेर से आ सकता है, टाइम से भी आ सकता है, पर अच्छे लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है जो आपकी बात को ना समझे। नागपुर में जो दो तीन वीडियो बनाई और जो कार्यक्रम किया, वहां बहुत सारे अच्छे लोग ऐसे थे जिन्होंने कंसेप्ट को सुना, समझा, जाना, और उनमें जितने लायक लोग थे, जितने अच्छे लोग थे, उन्होंने उन वीडियो की बात को समझा और जाना। मुझे याद आता है कटके सर ने बताया था कि नागपुर के लोग बहुत समझदार हैं और वो जरा सा इशारा करते हैं तो पूरी पूरी कहानी समझ जाते हैं। ये जो यहां पर स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट कटके सर की उसी बात को आज यकीन में बदलता है जिसमें लिखा हुआ है, दोपहर 12 बजे दीक्षा भूमि पर बोधि वृक्ष के नीचे में नागपुर के सभी श्रमण जो भिन्न भिन्न बैनर तले कार्यरत हैं, वे सब श्रमण एकत्र आएंगे और बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। एक शहर, एक अंबेडकर, एक स्थल, एक जयंती मनाई जाना चाहिए, ऐसा संकल्प नागपुर के समण संगति में किया गया, उसका हम अनुमोदन करते हैं। बुद्ध बिहार समन्वय समिति समाज के ऐसी संकल्पना अनुमोदन करती है। अशोक सरस्वती बोधि, प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप आगलावे, माधव जामुने, पुष्पताई बौद्ध, डॉक्टर उरकुड़े साहब, सभी लोग, सभी संगठन इसका अनुमोदन करेंगे, यही प्रार्थना है। अशोक सरस्वती बोधि, बुद्ध बिहार समन्वय समिति, समय 1:29 पे ये आया है आज और व्हाट्सएप का मैसेज है। तो जो शिकायत थी कि नागपुर के जो लोग हैं वो अलग अलग जयंती मनाते हैं, आज नागपुर से ये पूरा का पूरा निर्णय आ गया कि वो एक जो बोधि वृक्ष है उसके नीचे 12 बजे सारे लोग आएंगे। और जैसा कि समण संघ का नियम है, हमारा पुराना संघ जो बुद्ध से भी पहले का संघ का नियम है, क्योंकि वो प्रस्ताव पहले पारित है कि सब अपना दरी, अपना चादर, अपना खाना, अपना पानी अपने साथ लेके आएंगे और कोई पैसा वैसा वहां इकट्ठा होगा नहीं, तो दीक्षा भूमि पे बहुत दिनों बाद 14 अप्रैल को सब लोग जयंती मनाने वहां जाएंगे। और जितने भी संघ, जितने समर संघी, क्योंकि ये संगठन तो है नहीं और इसका कोई नेता नहीं, तो सारे के सारे लोग वहां जाकर बैठेंगे, मिलेंगे। ये मैसेज पूरे भारत में सभी लोगों को बहुत तेजी से भेज देना चाहिए कि एक शहर, एक बाबा साहब अंबेडकर और एक जयंती का जो प्रस्ताव नागपुर से पारित हुआ था उसको नागपुर वासियों ने मान लिया है और उसके तहत में वो दीक्षा भूमि पर इकट्ठे होंगे 12 बजे। तो हर एक शहर में ये बात लागू होती है कि वो एक शहर, एक जयंती, एक बाबा साहब के नियम के तहत पूरे शहर में एक जगह चुन लें और वहां सारे के सारे पहुंच जाएं। इससे बहुत बड़ी जीत बाबा साहब के मिशन की, इससे बहुत बड़ी जीत हमारे पूरे के पूरे समाज की हो जाएगी, क्योंकि इकट्ठा होने का मैसेज जैसे जैसे जाएगा लोगों में, वैसे वैसे दम पड़ता चला जाएगा। बहुत सारे तोड़क लोग भी आएंगे जो वहां आके कहेंगे कि अरे ये क्या हो रहा है, इसका नेता कौन है, पैसा क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा, चंदा क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा, हलवा पूड़ी कहाँ पर है, और ये यहाँ पे भाषणबाजी नहीं हो रही है और किसी का बैनर नहीं है, कुछ ऐसी बात वैसी बात। उन सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा।
आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।